कि स्मृति ईरानी भगाओ और अमेठी बचाओ, स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। मोदी जी झूठों के सरदार हैं। अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ, कल वो अपने साउथ के भाषण में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ के बता रहे थे। अगर उचित दाम में देंगी तो खरीदने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं तानाशाह करना किसानों के ऊपर लाठी डंडे, और 500-600 किसान मर गए, दिखाया गया इसको। सरकार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिकी हवाई अड्डा और सब कुछ बिकता, देख रहे हैं अपने जेपी नड्डा। इस चंदा चोरी कब से होने लगा, कब से वसूली भाई होने लगा? घूम घूम के पूछ रहे हैं ये सारा सवाल, जो सरकार में सरकार न बताएगी, पब्लिक क्या बताएगी? आप लोग मोदी से पूछिए। स्मृति ईरानी नहीं है वहाँ पे, वहाँ का स्मृति जिस तरीके से 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा किया था, जिस तरीके से युवाओं को 2 करोड़ देने का वादा किया था, स्मृति ईरानी जी वहाँ पे पिकनिक प्लेस मनाने आती हैं, वहाँ पे पिकनिक वहाँ पे लेके आती हैं, बाहरी लोगों को घूमने आती हैं। गोवा भी अभी तक, गोवा भी अभी तक इनका पिकनिक प्लेस था। वहाँ पे क्या क्या कांड हुआ, क्या क्या जो हिंदूवादी बताते हैं अपने को, ये वहाँ पे क्या क्या बिका क्या नहीं बिका सबको पता है, पूरे देश की दुनिया को पता है। ये केवल राहुल गांधी जी का नाम लेकर अपनी TRP बटोरती हैं, अपनी दुकान चलाना चाहती हैं। और ये सही है ये कि अमेठी में जो भी कुछ है राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया है। अगर राहुल गांधी जी अगर न होते तो जैसे एक सेकंड में आप सबको मालूम हो गया वायनाड, इसके पहले वायनाड कोई जानता नहीं था। हरा भी तो दिए राहुल गांधी, कौन हराया? शासन प्रशासन, EVM, इनके कह तो रहे हैं EVM बंद कर दें, इनकी क्षमता है। सरकार से हम निवेदन भी कर रहे हैं कि बिना EVM से चुनाव करा लेना, आप करा लेंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा, साफ साफ दिख जाएगा कौन जीत रहा है। और इस बार अमेठी की जनता, अमेठी के पब्लिक ने पूरे बूथों पे मन बना लिया है कि स्मृति ईरानी भगाओ और अमेठी बचाओ, स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। कोई बूथों पे उनको एजेंट नहीं मिलेंगे, कुछ भी कर लें आप वहाँ पे, आप प्रधानों को धमकी दिला लें। भाजपा ललकार रही है कि दम है तो राहुल गांधी अमेठी लड़के दिखाए, भाजपा अच्छा ललकार रही है। देश के नेता हैं और धैर्यवान नेता हैं, गंभीर नेता हैं, इनके सबके ये आज तक ईरानी जी सोचती हैं राहुल जी मेरा नाम ले लें। अरे भैया, राहुल गांधी देश के वो प्रधानमंत्री के लड़के हैं जिनके पिताजी शहीद हो गए, जिनकी दादी शहीद हो गए, और आप कहाँ से आई हैं बताइए, आपका कहाँ क्या पीछे बैकग्राउंड है बताइए, देश के लिए आजादी में आपका रोल रहा है क्या? काहे नाम ले राहुल जी और काहे आपकी ललकार सुने? अमेठी की जनता की आवाज है, उनका कोई नाम नहीं ले रहा वहाँ ना, उनसे हिम्मत नहीं पड़ रही है। अमेठी मांगे राहुल गांधी, अमेठी मांगे राहुल गांधी, अमेठी मांगे राहुल गांधी, अमेठी मांगे राहुल गांधी। हिम्मत से आप बता रहे हैं, हिम्मत वक्त बताएगा जब बूथों पे एजेंट नहीं मिलेंगे। राहुल गांधी जी दिलों पे राज करते हैं, हर घरों में चुनाव हारने के चुनाव यहाँ पर शासन प्रशासन दम पे जो हराया गया, उसके बावजूद भी अमेठी में राहुल गांधी जी कोरोना में जिस तरीके से मास्क, सैनिटाइजर, खाद्य सामग्री, चीजें लेके भेजवाए, और अपने अमेठी को वो घर ही मानते हैं, पराया कभी बनाया नहीं। स्मृति ईरानी तो अपना घर वहाँ बना लिया भैया, पिकनिक प्लेस है, बेचना पड़ेगा, और यही हम सब दाम लगाएंगे, वहाँ पूछेंगे कि आप कहाँ बेच रहे हैं, ऐसे स्मृति ईरानी का घर खरीद लेंगे। खरीद बिल्कुल, अगर उचित दाम में देंगी तो खरीदने का प्रयास करेंगे। इसके पहले अमेठी 2024 में विदाई तय है। हाँ बिल्कुल, लेकिन राहुल चले गए ना भैया, देश के नेता हैं, मोदी भी 2 जगह से लड़ते हैं, गुजरात भी लड़े, काशी भी लड़ते हैं, तो राहुल गांधी तो उनसे बड़े नेता मानते हैं, क्योंकि वो परिवार के नेता हैं जिनके पिताजी शहीद हुए, दो दो तीन तीन प्रधानमंत्रियों के पोते हैं, घर के नाती हैं, वो परिवार के हैं, जिनके घर में कुछ योगदान रहा देश के प्रति। वो भाजपा और RSS की पार्टी नहीं है जो तिरंगा जहाँ पे फहराए जाने पर इनको अपमान लगता है, वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के विचारधारों से चलती है, लोक संयम, कंट्रोल, धैर्य, जो सेवा करती है, त्याग करती है, वो कैसी पार्टी है। राहुल गांधी जी वहाँ से इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, डर तो नहीं गए भैया, डर स्मृति फिर हरा, डरो मत। सुनिए, राहुल गांधी डरे कभी नहीं है, राहुल गांधी ही गांधी परिवार के ही सदस्य अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़के ये दिखाएंगे कि अमेठी से क्या पूरे देश में मैसेज जाएगा कि अमेठी उनका परिवार है, अमेठी उनका घर है, घर के साथ साथ पूरे भारत को साथ लेकर चलने का काम हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी द्वारा किया जाता है। अमेठी की जनता ने परिवारवाद का परिवारवाद इनसे ज्यादा परिवारवाद कौन है? जैसा कौन है? अनुराग ठाकुर कौन है? पंकज सिंह कौन है? राजनाथ सिंह के लड़के सबकी बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा परिवारवाद इन्हीं की पार्टी, इनके पास वॉशिंग मशीन रखा हुआ है इनके पास, उसमें से जैसे ही करप्ट लोग है,
सुनिए, करप्ट लोग जैसे ही यहाँ से कांग्रेस से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा के जाते हैं और वहाँ पे ईडी सीबीआई के द्वारा इनको वॉशिंग मशीन में चैलेंज कबूल नहीं कर रहे रानी जी का, के वो कौन सी नेता है राहुल जी उनके सामने चैलेंज करेंगे भैया शासन? अरे हम कह रहे हैं पूरी ईवीएम आप सेट कर लीजिए, राहुल गांधी पूरे देश के नेता को हरा दीजिए। आप देख रहे हैं तानाशाह कर रहे हैं किसानों के ऊपर लाठी डंडे और 500-600 किसान मर गए, दिखाया गया इसको, ये इसका जवाब कौन देगा? हम पूछ रहे हैं कि चैलेंज कबूल क्यों नहीं कर रहे आप, किसानों की बात करेंगे भैया? देश में किसानों की बात होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना, तो किसान आप चैलेंज की बात क्यों कर रहे हैं? स्मृति ईरानी मोदी जी से चैलेंज कर रहे हैं ना राहुल जी, कहाँ नहीं चैलेंज कर रहे हैं मोदी जी? 47 की तैयारी कर रहे हैं, किस कहां से 47 में कोई चुनाव है ही नहीं भैया, 47 में कोई चुनाव ही नहीं। सुनिए अगर ये सुनिए सुनिए ये इनका तानाशाही है, ये इनका इनका भौकाल वाला काम है, कोई ऐसा नहीं है। गांधी परिवार इस समय पूरे देश में राहुल जी न्याय यात्रा लेकर पूरे देश में पैदल चले, पूरे भारत जोड़ो यात्रा करके देश में पैदल चले, वो एक ऐसे नेता हैं, कोई इनके एक भाजपा आरएसएस के नेता बताइए जो पैदल चले हो पूरे भारत में, बताइए अमेठी में क्या क्या राहुल गांधी और गांधी परिवार के द्वारा नहीं किया गया। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में दो ही अचल है, लेकिन अमेठी में अचल है, बीएचएल है, एंडोगल्फ है, तिपलाटी है, और तिपलाटी को बंद करा दिया स्मृति ईरानी, सुन बंद करा दिया, मेगा फूड पार्क बंद करा दिया, जू पार्क बंद करा दिया, अंतरराष्ट्रीय लेवल के जो भी अमेठी में किए गए कार्यों को स्मृति ईरानी के द्वारा बंद करा गया, ऊंचाहार रेलवे स्टेशन के लिए गांधी परिवार प्रस्ताव पारित किया था। क्यों नहीं चाहते राहुल गांधी भैया खड़गे? देखा राहुल जी एक नेता है, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? मैं मांग उठा रहे हैं, मांग क्यों नहीं करेंगे? अपने नेता से प्रेम करते हैं भैया, मेरा काम है, मैं एक छोटा सवाल कर, ये सुनिए सुनिए, ये कोई पुष्टि किया गया कहीं पे, कहा गया अमेठी से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और ये अमेठी ही देश का मैसेज होगा, अमेठी ही देश का संदेश होगा? कोई आप सब ये जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है, बीजेपी द्वारा जो जो भाजपा के द्वारा जो आरएसएस के द्वारा चलाया जा रहा है, अभी एसबीआई भाई साहब सब कुछ तुम्ही का है, 370 की बात है, सरकार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। वाह भाई वाह, तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। अमेठी का नेता, अमेठी का नेता ओनली सिर्फ राहुल गांधी है, क्योंकि जानते हैं यहाँ संघर्ष या तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं। मोदी जी झूठों के सरदार है। अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र, एक बार भाई एक मिनट, मोदी जी झूठों के सरदार हैं। अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ, कल वो अपने साउथ के भाषण में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ के बता रहे थे, तो इनसे बड़ा झूठा कौन है? अब आप बताओ मोदी जी को 14 से पहले जानता कौन था? जब प्रधानमंत्री बने तो देश जाना, राहुल गांधी और गांधी परिवार तो आजादी के समय से इस देश में अपना सेवा दे रहा है, और सेवा देते देते उस परिवार का दो आदमी, दो नेता देश के लिए शहीद हो गया। तो आप क्या ये नचनिया गबनिया क्या ये स्मृति ईरानी की बात करते हो? वो कौन सी नेता है? सांसद, सुनो ना, सांसद क्या है? अरे भाई सांसद है तो आप बताओ ना, सांसद अगर है तो जब यहाँ महिलाओं पे बात करते हैं कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, तो क्यों नहीं महिलाओं के अत्याचार पे नहीं आती है? अरे मणिपुर बाद में यहाँ बगल में जंतर मंतर में क्यों नहीं गई महिला? जिनको खाली महिला सम्मान की बात करते हैं, इनको संदेश खाली दिख जाता है, आके जंतर मंतर और दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दो दिन से घुमवा रहे हैं संदेश खाली को, मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह को अभी भी गोद में बैठाए हुए हैं। सोनबांड वाला देखिए, सुनिए, तानाशाही सरकार, भाजपा सरकार जो है तानाशाही सरकार है, पूछिए क्यों? ये तानाशाही जो है, अभी एक चुनाव के पहले एजेंडा निकाले थे, बहुत हुई महंगाई की मार, इसका क्या है टैग? इसका टैग यही है, ये साफ साफ दर्शाता है, चाहे दूध हो, चीनी हो, चावल हो, मक्खन हो, कुछ भी हो, इस सब पर जीएसटी लगा दे रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सिर्फ चंदा मांग का काम चलाना है इनको, चंदा ही मांग का काम चलाना है, क्योंकि कहावत है कि रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिकी हवाई अड्डा और सब कुछ बिकता, देख रहे हैं अपने जेपी नड्डा, यही चल रहा है मेरे दोस्त, नहीं यही चल रहा है, नहीं कि चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो जमाना रूठ जाता है, और मोहब्बत की किताब पढ़ना आसान है मेरे दोस्त, और मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। स्मृति ईरानी को कह दीजिए
मोहब्बत अमेठी में नहीं निभा पाएगी। अगर मोहब्बत कोई निभाने वाला है तो वो नफरत को हटाने वाला है तो सिर्फ राहुल गांधी है, हमारे नेता राहुल गांधी है सर। ये इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड के माने भी ये सफाई दे रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री जी बड़ा दबाव डाले कि कहीं पे उसका मैसेज लीक ना हो, कहीं से उसके इस चंदा चोरी कब से होने लगा, कब से वसूली भाई होने लगा, छोटी छोटी कंपनी इनको पैसे पहले दे रहे हैं। तो भैया चुनाव में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप हर घर को खरीदने का काम करेंगे। आपने किसानों की आय दुगनी की, आपने 15 लाख जो जुमला था दिया, आपने युवाओं के उत्तर प्रदेश में उत्तर पेपर देने के पहले ही उत्तर आ जाते हैं, यही उत्तर प्रदेश है। हाँ ये सुनिए, बोले उत्तर प्रदेश यही उत्तर प्रदेश। युवाओं के पुलिस की भर्ती के पेपर लीक हो गए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के पेपर लीक हो गए, आरओ पीआरओ के पेपर लीक हो गए। ये इनका कानून व्यवस्था है, ये इनका सरकार है, कुछ नहीं, ये जुमले वाली सरकार है, ये EDC कहाँ, ये भाजपा हम सुने थे, ये 400 पार कहाँ दिखा रहे हैं। आपकी बार दूर से नमस्कार भी है। EVM अब लड़ेंगे चोरों, सुनिए अब सुनिए, चोरों से लड़ाई है, सुनिए सुनिए, हम सब चोर कौन है, सुनिए, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार कैसे, डबल इंजन सरकार, और सुन लीजिए, और सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, अभी युवाओं की बात कर रहा हूँ, युवाओं की बात कर रहा हूँ। अभी उत्तर प्रदेश में जो है जितने पेपर है 2018 लेकर अब तक जो है सब लीक हो जा रहे हैं। जानते हो क्यों? जिस देश में पेपर लीक हो जाएगा हम कैसे मान लें उस देश की हालत ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगी। प्रदेश देश, देश, हो, देश की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि केंद्र में भी वो है, राज्य में भी वो है, केवल झूठी सरकारें हैं, ये झूठी सरकारें। आप ये सवाल जाके प्रधानमंत्री से भी पूछिएगा, आज सांसद महोदय जी का सुनिए, ईरानी जी का सुनिए सुनिए, हम बता रहे हैं पूरी बात समझिए, हमारे सदाता जी ईरानी जी का मंत्रालय है, सुनिए आप लोग इतना कैमरा लगाए हैं और घूम घूम के पूछ रहे हैं, ये सारा सवाल जो सरकार में है सरकार ने बताएगी, पब्लिक क्या बताएगी, आप लोग मोदी से पूछिए। ऐसे सवाल हमारे मन में भी आते हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं होती है ना, कहाँ नहीं पहुँच होती है, आप लोग पैसा खाते नहीं पहुँचते हैं, पैसा खाते हैं आप, मीडिया तो देश को भी बार बोलती है, अरे चाचा जी मीडिया तो देश को डुबाया, कोई दिल्ली का सुनिए चाचा जी, नहीं तो आप लोग तन से बोलिए, मन से बोलते, आप धन से बोलिए, चाचा जी हम ये पूछ रहे हैं आप, आप लोग बोलिए, ईरानी जी के मंत्रिमंडल में आप सब गए, ईरानी जी के पास कभी गए, सुनिए नहीं, जब दिल्ली में मनमोहन जी की सरकार थी तो मनमोहन जी को चूड़ी और कंगन भेजती थी, आज तब गैस का दाम 350 रुपए था, क्या स्मृति ईरानी जी भेज पाएंगी प्रधानमंत्री जी को, जब 400 में आज गैस का दाम कितना है पूछिए, 1200 रुपए है लमसम, 300 रुपए कम कर दिया मोदी जी, कहा सरकार कहाँ कम कर दिया, चाचा जी बात कर लीजिए, आप लोग जो बात प्रश्न हम लोग से करते हैं आप सरकारों में कीजिए, ये स्मृति ईरानी हम बोले बस सरकार से पूछिए, आप सरकार से सुनिए सुनिए, देश के देश 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 के प्रधानमंत्री जी हैं, सुनिए नहीं देते हैं, ट्रांसलेटर लगा रहता है उनके पीछे, उनके पीछे क्या क्या लगा रहता है बोल, अब देखो देश में शिक्षा बहुत जरूरत है, IIT और रुड़की जैसे संस्थान को और यहाँ एम्स जैसे संस्थान को, IIT जैसे संस्थान को किसने बनाया, गांधी परिवार ने हरित क्रांति लाया, गांधी परिवार ने 18 साल में युवाओं को वोट देने का मौका दिया, गांधी परिवार ने, आप एम्स की बात कर रहे हैं, अस्पताल की कोई मीडिया, कितने मीडिया वाले कह रहे हैं कि अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी, राम मंदिर जाओगे, राम मंदिर से अस्पताल की, सुनिए अभी आप अभी क्या आपको नहीं कहना चाहिए, आपको अभी बाय चांस हार्ट अटैक आ जाए और मंदिर मंदिर से हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मंदिर आस्था का विषय, सुनिए सुनिए, मंदिर मंदिर आस्था का विषय है, सुनिए ये राम भगवान को सुनिए, सुनिए ये राम भगवान को सुनिए।